हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो रायते की रेसिपी है, रायता मसाले की। अगर आप ये बनाकर अपने डब्बों में रख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। गर्मियों के दिन आने ही हैं, बल्कि आ चुके हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो रायता हर घर में लाजमी बनता है। मेरे यहाँ बना रखा है, लेकिन मुझे आपको दिखाना था रायते की ये रेसिपी, मैं भूल गई थी आपको उस वक्त शेयर करना, तो मैंने स्पेशली अभी थोड़ा थोड़ा सा सामान लिया है। तो दो तीन तरीके के मैं आपको रायते के मसाले बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है, ये बना कर रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ वो करीब 250 ग्राम दही के साथ चल, तो यहाँ पर मैंने करीब 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड्स लिए हैं, यानी कि ज़ीरा, और यहीं पर मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं 1/4 टीस्पून, और यहीं पर मैंने करीब साबुत, अगर आप लाल मिर्च ले रहे हैं तो 1 से 1.5 लाल मिर्च आप ले लें। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम रहा होगा, ये कुट्टी मिर्च मैंने इस्तेमाल करी है। तो इन तीनों को ही मिला करके मैं ड्राई रोस्ट कर दे रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले को हम पीसने के बाद हमने इसमें और कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं। तो फिलहाल मैं इसको ड्राई रोस्ट कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसकी खुशबू होती है रायते में, वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब मैं इसको पाउडर बना लूँगी, आप चाहें तो थोड़ा दरदरा सा इसको कूट लें, उसका भी अच्छा जायका आता है, और चाहें तो आप इसे पाउडर फॉर्म में बना लें। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ, बारीक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको बारीक कर चुकी हूँ। अब और जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलाने हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं ये सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ये बड़ा स्पून है, 5 ml का जो टीस्पून होता है उसमें आप 1/4 टीस्पून आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहीं पर जो इसमें असल जान डालने वाला है वो है ये काला नमक, करीब 5 ml का मैंने 1/2 टीस्पून लिया होगा, ये बड़ा स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये चीज़ें अब हम मिक्स कर देंगे, बस बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। ये देखिए, मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा रायता मसाला तैयार हो गया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि साथ साथ मैं आपको जो खीरे का रायता है उसकी रेसिपी भी दे देती हूँ। ये जो रायते का मसाला है, इसे आप किसी भी रायते में आप ऐड कर सकते हैं, चाहे लौकी का रायता हो, बूंदी का रायता हो, खीरे का हो, या वेजी रायता हो, कोई सा भी आप रायता बनाएं, बहुत अच्छा रहता है, एक जान सी पड़ जाती है रायते में। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से लौकी का रायता बनाती हूँ, सॉरी खीरे का रायता बना रही हूँ। तो मैं खीरे का रायता बताती हूँ कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर प्रेशर निकल गया है और मैं चने देख लेती हूँ गले हैं कि नहीं, एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो देखिए, ये चना लिया है मैंने, और ये देखिए यार थोड़ा खड़ा गला हुआ है, थोड़ा सा और गला लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मसाला आपको दिखाया है, ये मसाला लिया है जो भी हमने बनाया, एक खीरा, ये देखिए बड़े साइज़ का लिया है, छील लिया है मैंने इसको, और दही ली है। तो मैं सबसे पहले ये जो खीरा है इसको कस लूँगी, कद्दूकस कर लूँगी, और फिर बताती हूँ कैसे हमने तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने खीरे को कद्दूकस कर लिया है, और दही को थोड़ा सा फेंट लेना है इस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ये मसाला। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने बनाया है वो करीब 250 ग्राम से 300 ग्राम के लिए काफ़ी होगा। तो ये देखिए, ये हमने मिला दिया है, और अब यहीं पर मैं ये कद्दूकस किया हुआ जो खीरा है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। जो भी इसका अर्क वगैरह है सब इसमें आ जाना चाहिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
लीजिए। बस तैयार है हमारा खीरे का रायता। अगर आप इसमें थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो पानी से या दूध से, अगर दही खट्टा है तो आप दूध से एडजस्ट करें, और अगर दही मीठी है तो अगर आप मीठी दही में दूध ऐड करेंगे तो दही का बिल्कुल टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए पानी से आप जो है रायते को एडजस्ट करें। तो मैं ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ, और अब मैं इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, तैयार है बड़ा आसान सा और झटपट बन जाने वाला रायता। और ये रायते का मसाला बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। थोड़ा काला नमक ज़्यादा रखें, उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ऊपर आई बटन आप ज़रूर चेक कर लिया करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप रेसिपीज़ चेक कर लिया करें। मैं रिलेटेड रेसिपीज़ डाल देती हूँ, जैसे कि ये समर के लिए बहुत अच्छा है, तो समर से रिलेटेड ही रेसिपीज़ में आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लाइक करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।